प्रत्याशी संध्या राय का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की जा रही है कि बाहरी प्रत्याशी को नहीं दी जाएगी तवज्जो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा द्वारा बार बार घनश्याम पिरोनिया का पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने के कारण जा सकते हैं अन्य किसी पार्टी में। कई समाज के लोग धानुक समाज बंशकार या समाज यादव समाज व अन्य पार्टी कार्यकर्ता कर सकते हैं। बताइए सर कि यहाँ भिंड सीट से लोकसभा सीट से संध्या राय का जो नाम आया है सामने, यहाँ सुनने में आया है कि क्षेत्रीय लोगों में बड़ा रोष है कि बाहरी प्रत्याशी को वो मंजूर नहीं करना चाहते हैं, क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की जा रही है, इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर एक पार्टी है और पार्टी का निर्णय हर कार्यकर्ता मानता है। ये सही बात है कि वर्तमान में जो टिकट दिया गया है वो इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नए हैं। महिला प्रत्याशी है भिंड दतिया क्षेत्र में, उनकी सीधी पकड़ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम जैसे लोग तो जो पार्टी का आदेश है उसका पालन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता में जो संदेश गया है वो ठीक नहीं है। अगर यहाँ के किसी स्थानीय को टिकट दिया जाता या कोई पूर्व विधायक को टिकट दिया जाता, इस टाइप के अगर किसी आदमी को जो यहाँ की जनता जिससे मिला हुआ होता उसको टिकट दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी वरिष्ठ नेतृत्व का आदेश है तो हम लोगों को तो पालन करना ही है। सुनने में ये आया है कि जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से पार्टी को, जो भाजपा पार्टी को जो क्षति हुई थी, इसी प्रकार से विरोध की लहरें अब उठना शुरू होने वाली हैं और अभी कल से उठना शुरू भी हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया है कि हम बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। देखिए, आप कार्यकर्ता जो मेहनत करता है वो उसका प्रतिफल भी चाहता है। कार्यकर्ता लगातार मेहनत करे उसके बाद टिकट ऐसे लोगों का आ जाए जिससे कि वो संपर्क में नहीं है, जिसको वो जानता नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मन में क्षोभ होता है, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सामायिक है, धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाए। बाकी विधानसभा में निर्णय गलत हुए थे, उसका परिणाम पार्टी ने भोगा है, तो गलत निर्णय का परिणाम पार्टी को ही भोगना पड़ता है, कार्यकर्ता को भोगना पड़ता है। तो ये सब तो राजनीति है, सिस्टम ये चलते रहते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। धन्यवाद। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इमरान मंसूरी भांडे से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक कांग्रेस से, उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ भाजपा की ओर से जो बाहरी प्रत्याशी संध्या राय को यहाँ उतारा गया है, इस पर आप क्या अपने क्या विचार देना चाहते हैं? 2019 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि संध्या राय को कोई भांडण में भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं आता है। इसी वजह से कांग्रेस का लोकल का क्षेत्रीय प्रत्याशी हो और वो अपनी जीत भिंड लोकसभा में दर्ज करवा। बाहरी प्रत्याशी होने के कारण भाजपा के लोग ही संध्या राय को नहीं चाहते, ऐसा सुनने में मिलता है, मैसेज मिलता है, जब बैठते हैं हम लोग पता चलता है। तो आपको पूरा यकीन है कि आपके पार्टी के द्वारा जो यहाँ प्रत्याशी आएगा उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये भाजपा से बाहरी प्रत्याशी होने का कारण हमारे कांग्रेस सभी को प्रत्याशी को मिलेगा। क्या नाम है आपका? सोनू पाली। वर्तमान में आपके पास कौन सा पद है? कार्यालय मंत्री भारतीय जनता पार्टी भांडर। बताइए सोनू जी, यहाँ भाजपा प्रत्याशी रजनी संध्या राय को यहाँ पर भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से चुना गया है, क्या क्षेत्रीय जनता उनको सपोर्ट देगी या आपके पार्टी कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ना, जितना लोकल के प्रत्याशी को क्षेत्रीय जनता सपोर्ट करती उतना सपोर्ट नहीं करेगी। और ये पार्टी ने बहुत गलत निर्णय लिया है कि बाहर के प्रत्याशी को यहाँ भेजा है, इनको
कम सपोर्ट मिलेगा पब्लिक का। और आपके पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या रुझान है? नहीं, पार्टी कार्यकर्ता इस निर्णय से नाखुश हैं, और जो जी मान लीजिए कि ये सीट कांग्रेस को उन्होंने तोहफे के रूप में दे दी है। हमने सुना है कि आपके भाजपा पूर्व विधायक घनश्याम परवानिया ये किसी अन्य पार्टी में जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, आपने गलत सुना। अच्छा, वो अभी भाजपा पार्टी में ही रहेंगे? जी, वो भारतीय जनता पार्टी में थे और रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह यादव है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। अच्छा, बताइए आपका क्या विचार है, यहाँ पर भाजपा की ओर से संध्या राय को उतारा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं होली के साहब के सबको हार्दिक शुभकामना बोलता हूँ, और मैं सोनू भाई का भी विनती करता हूँ कि लोग इलेक्शन होने के पहले भी कांग्रेस को तोहफा दे दिया है कि वो कांग्रेस की सीट क्लियर है। अब वो पार्टी का निर्णय है जो कहाँ टिकट कौन आ रहा है, कांग्रेस से कोई नहीं है, फिलहाल तो हमारा जीत पक्का है। आपको लगता है कि क्षेत्रीय जनता आपके प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी, संध्या राय को सपोर्ट नहीं करेगी? नहीं, हमको लगता है हमारी क्षेत्रीय जनता हमको सपोर्ट करेगी। अभी विधानसभा में हम 40 मतों से जीते हैं, तो हमें लगभग